श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती, पहला अध्याय, मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम। प्रथम चरण के ब्रह्म ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक करता हूँ। सुनो, सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाध्वंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाध्वंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ उनसे युद्ध में परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हत्या लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां उस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते भी होंगे या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे आगे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना अब खाली हो गया होगा। ये तथा और भी ऐसी ही कितनी ही बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ।
यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है भी या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने कहा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायाकूल विनयपूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी करती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र और स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी वह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हो रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हो गया है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में ही नहीं देखते। जो कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, परंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं में से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों की भी अधीश्वरी हैं।
राजा ने पूछा, भगवान आप जिन्हें महामाया कह रहे हैं वह देवी कौन है? ब्राह्मण उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा भी स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन वास्तव में तो वे देवी ही नित्य स्वरूपा हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत में निमग्न हो रहा था, तो सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो वह एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ करने लगे। जो उस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली और तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा हैं, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री और पनम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस विश्व की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांतर के अंत में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही शी और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा और गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, मुशुंडी और परेक ये तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से
भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांव के जल के शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और वे क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही वर मैं मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उसके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सारणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में मधु कैटव बद्ध नाम का पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय। श्री गणेशाय नमः। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंबरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती लक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और उनकी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवन, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है और उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया, उनकी भौहें तन गईं और मुख टेढ़ा हो गया। अब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला, वे सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी।
एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई, पशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण से भरे दो तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। एरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी थीं। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ने कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धना अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र भी कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनर्म होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आ यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर और सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था।
वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदर्ग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1,00,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5,00,000 रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,00,000 रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1,00,000,000 रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5,000,000,000 रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे तथा वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को झटकता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावनल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल हजारों सैकड़ों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खंग, पट्टेश आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खंग और शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ पर चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण ही चुने लेता था।
वहां देवी के गणों ने भी उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महिषासुर की सेना का वध नामक यह दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल देवी मैया की जय। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यान, जगदम्बा के श्री अंगू की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधा हुआ है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके वाणु समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला, साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने वाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए, साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने अपने ऊपर हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार उदर्ग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया, भिंदी पाल से वाष्कल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने वाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को निथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की
सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। उससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों से आहत से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया, अब तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह एक खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया, पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी उसके पर्वतों को अपने बाणों के समूह से चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ, जब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले, मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उन्हें दबाकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की भारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथ में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करती हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन और कंधे झुकाकर उस भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव
और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सतपुरुषों के श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, आप उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंतन्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याक्ता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ पाते हैं, वह स्वह आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतन्य महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते रहते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैठप के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अबुद्य होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हो, यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित होते हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुरुत्र और भृत्यों के कारण धन्य माने जाते हैं। देवी, आप ही की कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक तथा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करते हैं और आपके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो।
देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होने पर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इसी प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं रही हैं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे वर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो इन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती और शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक में केवल आप में ही देखी गई हैं। मात आपके शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है, तथा उन मद देवतियों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें, और घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपने जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो भी अस्त्र हों, सबके द्वारा आप हमारी सब ओर से रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन में दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई, वह सब कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थीं, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। पांचवा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम, इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुपुष्ट छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व है और साम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महाअसुरों से तिरस्कृत होने पर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण किए जाने पर वे हमारी सब आपत्तियों का तत्काल ही नाश कर देंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नेत्रेत्री राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है, जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में श्रुधा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति या क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है,
जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उस व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में उन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने पर देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों के सताए जाने पर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भीतर से विनर्म पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आईं। उन सुंदर बहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने लगीं और कालिका देवी के नाम से विख्यात हुईं। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उस परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वह रत्न है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और उच्च शवा घोड़ा सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको कंजलिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का यह शत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति
भी आपने उनसे छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं, फिर भी यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, आप इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय इन तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्व रत्न उच्चैश्वर्वा नामक अश्व प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर मुझे समर्पित कर दिया है। सुंदरी, इसके अलावा और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। निशुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और शुंभ भी उसी के समान महापराक्रमी है, परंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण करें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से निशुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे जो प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वो जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। 6ठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाले परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं।
नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं और उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और दैत्यराज के पास आकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झूठा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम बलपूर्वक मुझे ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महावली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नाम के दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग अपनी बड़ी सेना को लेकर वहां जाओ, उस देवी के छोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों, शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नाम का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। ध्यान, मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार, पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली,
कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चमर की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पाशर्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथियों के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थीं। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थीं। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए, कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उस अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा बोल दिया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके पृथ्वी पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर मरने से बची हुई सेना वह से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास आकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से ख्याति प्राप्त होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सारणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में चंड और मुंड वध नामक सातवां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। आठवां अध्याय, रक्त बीज बद्ध ध्यान। मैं आणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह भूला, आज उदायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें।
कालक, दोहाद्र, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रशस्तित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी ने सिंह ने बड़े जोर जोर से धारणा आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुईं। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्य की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न होकर उनकी शक्तियां असुरों के साथ युद्ध करने के लिए आईं। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षशूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति ऋषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पर आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शांग्र धनुष और खड़ग हाथ में लिए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नासिंगी शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका जी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से उत्पन्न भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता अपना अपना यज्ञ भाग उपभोग करने लगे। यदि वल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उसके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट करती जाती थी।
माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी धुतुन की मार से नष्ट कर दिया। दाणों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंह नाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक और महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुण्य वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त सा हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृगणों पर और मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उस उतावले मुख से खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग और सृष्टि आदि से मार डाला। राज इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुर के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर निर्दय करने लगा।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म रक्त बीज बद्ध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो देवी मैया की जय। 9वां अध्याय निशुंभ बद्ध ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्रम उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के बध के संबंध में देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे, पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ ने भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी जी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने श्रुप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें की 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर डाले। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। अब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी जी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे, खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा।
उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंब को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा वाणों को काट गिराया। यह देख निशुंब दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंब को शूल हाथ में लिए आता देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहकर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन को कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयानक दृश्य था। उधर काली और शिव दूती ने भी भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी की मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशायी हो गए। वाराही के तुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में निशुंब बद्ध नामक नवा अध्याय संपूर्ण हुआ। 10वां अध्याय शुंब बद्ध। ध्यान में मस्तक पर अध्र चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही तीनों उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंब को मरा हुआ देखकर तथा अपनी सेना का संगार होता जान शुंब ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंब दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंब ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंब ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंब ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाण द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया।
फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छीनकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। पवित्र वायु चलने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सारणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में शुंभबद्ध नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति से उनके मुख कमल तमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। समस्त जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंगनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति और क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब उसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली और विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार हो।
नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली महान ऋषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाणों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंगी रूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली और त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण और विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाणों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि और महा अविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बरा, भूति, भ्रामरी, तामसी, नियता और ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण माता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटोरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीया हो।
जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात और पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रविचिति नामक दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोग में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाक द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंबरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्त नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भवरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों तरफ मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म। ध्यान, मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उनकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मतु कैटप का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू भी नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां तो आएंगी ही नहीं। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा।
इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्तम को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महत्तम महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महत्तम का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, मैं उसे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महत्तम को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त और धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महत्तम, मेरे प्रादुर्भाव की कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महत्तम का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महत्तम श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा गया दुस्वप्न सुख स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महत्तम शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महत्तम समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महत्तम मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। सम्यक प्रकार पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से तथा नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण मात्र करने से हो जाती है। यह महत्तम श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्म जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र और जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी ने नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा की। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही
जगत को जन्म देती और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होती हैं और उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 13वां अध्याय, सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यान, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है और जिनके चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्तम का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य और अनान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। राज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि, इसीलिए विरक्त होकर वे राजा और वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए हुए एकाग्रतापूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से घिन्न एवं विरक्त हो चुका था। बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य वापस प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगने की इच्छा व्यक्त की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सारणी नामक मनु हुए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म सुरथ और वैश्य को वरदान नामक यह 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत
एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।